चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग ठीक है, लेकिन आज हम लोग ठीक नहीं है यहाँ पे। वो इसलिए ठीक नहीं है, अभी जस्ट सुबह ही हमें पता चला, जो हमारे बड़े भाई थे और नैनीताल के फेमस फोटोग्राफर थे और साथ में यूट्यूबर थे, हमारे बड़े भाई अमित भाई, अब हमारे बीच में नहीं रहे। अचानक से ही वो हम सबको यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो आज का व्लॉग तो कुछ स्पेशल व्लॉग नहीं है, लेकिन बस एक दुखदायी खबर हमें सुबह सुबह मिली कि जो हमारे बड़े भाई अमित भाई थे, और अक्सर आपके आपके भी जो रोज़ 2 से 2:30 बजे के बीच में आपको व्लॉग देते थे नैनीताल के, और नैनीताल की सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देते थे। तो आज कल रात उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हुई और सुबह हमें पता चला कि वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और अभी हम उनको आखिरी विदाई दे के आ रहे हैं और फिर यहीं पर नैनीताल आ गए। मैंने सोचा अब उनको अपडेट कैसे मिलेगी आप लोगों तक, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट दे दूं। और मेरे संग है हमारे बड़े भाई वो भाई। हेलो। हाँ तो गाइस, आज हमारे लिए बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि आज जो भी 12 से 1 बजे अमित जी आपको, अमित साहब ब्लॉग जो यूट्यूबर है यहाँ के फेमस यूट्यूबर, क्योंकि आज से आपको ब्लॉग नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप वो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ तक यह है कि अभी 12 बजे तक, 1 बजे तक जो भी हमारा ब्लॉग अपलोड होता था, जो हमें देख रहे हैं जिसान भाई को, और जो मेरा भी एक चैनल है भोभो UK04 करके, तो उसमें मैं अमित शाह जी के, उसमें मैं काफ़ी उनका एक मित्र था, बहुत ही बड़ा मित्र हूँ, मतलब उनका रोज का मिलना था, मेरे से तो खैर कम था क्योंकि मैं उतर ही नहीं पाता था उस टाइम पे, तो आज मेरे साथ वो नहीं रहे। तो ये संदेश आप तक पहुँचे जहाँ भी हमारा ये ब्लॉग जाएगा, जो भी आप उनको याद कर रहे हैं, तो दोस्तों आप दुआओं में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके लिए दुआ कीजिए कि जो उनकी आप आत्मा है, उनको हमारे वहाँ जन्नत कहते हैं, आपके वहाँ स्वर्ग कहते हैं, तो उनकी आत्मा को वहाँ शांति मिले। और अचानक से एक खबर मिली, तो जितने हम यूट्यूबर थे नैनीताल के लोग थे, सभी बिल्कुल एकदम से शौक हो गए हम कि अचानक से क्या हो गया, और फिर हम भागे भागे उनके घर गए। तो भागे भागे वहाँ सुबह से ही लेकर हम आखिरी यात्रा तक हम शामिल थे। तो अभी आकर हम आपको अपडेट देना चाहते हैं कि ये चीज़ आप नहीं देख पाएंगे, आखिरी है। कल का ब्लॉग में मैं उनके साथ था, वो आखिरी ब्लॉग होगा, उसको आप सर्च करें, अमित शाह ब्लॉग, उसमें वोबू UK04 मेरा भी चैनल है। तो जितने भी लोग होंगे हमें देख रहे हैं, तो उनको दुआ जरूर करें, उनके लिए दुआ करिए, और उनके लिए एक मिनट निकाल सकते हैं आप लोग, तो उनके लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल। और अब तो खैर उनके ब्लॉग नहीं आएंगे, तो जो उनके ब्लॉग ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर उनके ब्लॉग देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही अपडेट मुझे देनी थी हम दोनों भाइयों ने, क्योंकि अपडेट आप लोगों को कैसे मिलेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत से उनके फैन हैं जो इंतजार करते थे उनके ब्लॉग का कि इस टाइम उनका ब्लॉग आएगा, तो अब तो खैर वो ब्लॉग नहीं आएगा। यह है कि आप उनको याद करिए, और हम भी उनको अभी आखिरी सफर तक छोड़ के आए हैं, तो आज तो मेरा भी ब्लॉग नहीं आएगा, जो ब्लॉग मेरा आना था वही अपडेट का ये ब्लॉग आ गया है। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और हम हमारे बड़े भाई अमित भाई के लिए दुआ करिएगा। बाकी देखिए दोस्तों, मौसम आप देखेंगे, मौसम यहाँ आज आपको फ्रेंड में दिखा रहे हैं, पूरा बादल लगा हुआ यहाँ से देख सकते हैं, ये मौसम हमेशा रहेगा, ये जो ब्लॉग हमेशा रहेगा, लेकिन आज जो आपको ब्लॉग देता था वो बंदा नहीं रहा, वो बंदे नहीं रहे, और तो उनके लिए दुआ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी ध्यान रखिए, हमारे बड़े भाई के लिए दुआ करिए। जैसा अभी हमने बताया आपको कि हमारे जो बड़े भाई थे अमित भाई नहीं रहे अब हमारे बीच में, तो काफ़ी ये हमारे लिए दुखदाई है, और आज तो हमसे बोला भी नहीं जा रहा है, कुछ मतलब कुछ करने का मन ही नहीं है, बस मन कर रहा है कि एक जगह बैठ जाएँ। अभी हम उनके घर पर ही थे, वो भाई मैं और हमारे जितने यूट्यूबर थे नैनीताल के, सब उनके घर पर पहुँचे हुए थे, तो सब बाइकों से वहाँ तक गए, उनको छोड़ के आए, आखिरी सलाम उनको दे के आए हम लोग। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों को नैनीताल का वेदर थोड़ा सा मैं अपडेट दे देता हूँ। थोड़ा सा अभी देखिए इस तरीके से बादल लगे हुए हैं, और आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब तरफ ऐसी है, आप इधर देख सकते हैं ये पूरा कोहरा लगा हुआ है, और हल्की हल्की सी धूप की चमक है। नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक में बोट से चल रही है, जैसा आप देख सकते हैं, ये तो कुछ इस तरीके से गतिविधि चल रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये है। और अभी आधे घंटे पहले हल्की सी रिमझिम की बारिश हुई थी, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह है नैनीताल का वेदर। और अब से हमारे जो बड़े भाई थे अमित भाई हमारे यादों में रह गए हैं, और उनके जो ब्लॉग देखेंगे उसी में वो ज़िंदा हैं, उसी में हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, हम उनको याद करेंगे, और शायद हो सकता है कि शाम को हम लोग जितने यूट्यूबर से मिले उनकी याद में हम एक कैंडल जलाएँगे। तो देखते हैं, अभी हम यूट्यूबर से बात करते हैं, शाम के लिए एक श्रद्धांजलि उनको देंगे आखिरी। तो ये देखिए, तो ये था कुछ इस तरीके से नैनीताल का आज का वेदर। तो जो हमारे नैनीताल के यूट्यूबर हैं,
तो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और हमने बड़े भाई अमित भाई को, तो हमने बड़े भाई हमारे सदाब भाई, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज जो है बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि एक हमारे साथ हमारे यूट्यूबर भाई रहते थे अमित शाह जी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उनका नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस हैं आप लोग, काफ़ी वीडियो देखते थे, तो बेचारे आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका जो है देहांत हो गया है। तो सुबह भी हमें जो है कम से कम 8-9 बजे पता चला, किसी के माध्यम से पता चला, हमें तो पता नहीं था, क्योंकि रात जो है हमारे पास वो अमित भाई आए थे, तो अपनी उनकी दो बाइक इनसे कल बात भी हुई उनकी, मेरी कम से कम 1.5 घंटा उनसे हमारे अमित भाई से बात हुई है। तो वो ये पूछ रहे थे कि शताब भाई, यहाँ पे बुलेट का मैकेनिक कौन है? तो मैंने उन्हें एडवाइस दी थी 2-3 जगह की, पर तो वहाँ पे बोले कि नहीं कोई अच्छा मैकेनिक, तो मैंने उन्हें नदीम भाई का बताया था, तो बोले हाँ वहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि उनकी बुलेट एक वहाँ पे ख़राब हो गई थी रास्ते में, मालरोड में, ये पता नहीं कहाँ उन्होंने ये बताया नहीं, तो एक बाइक उनकी यहीं पे खड़ी थी शायद, तो बोले थे यार वो बाइक मेरी, मैंने 2-3 बार इधर से उधर करी, कभी नीचे डाउन में लाया तो स्टार्ट हो जा रही थी, उसके बाद नीचे कर रहा था तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मतलब कभी मुझसे इतनी देर बात नहीं करी, कल उन्होंने बहुत अच्छी मुझसे बात करी, वैसे हाय हेलो होता था, सलाम दुआ होती थी, वैसे क्या चल हो रहा है शराब भाई, बढ़िया चल रहा था, इसी बात को लेकर हम लोग बात करते थे, पर कल बेचारे आए एकदम बाइक से और बाइक रोक के मुझसे बात करी, फिर बुलेट के बारे में पूछा कि यहाँ पर मैकेनिक कौन है, तो मैंने उन्हें यही बताया कि यहाँ पर मैकेनिक तो यार नदीम भाई के पास चले जाइए, वो भी अच्छा काम करते हैं बुलेट में। तो फिर उन्होंने एक चीज़ और कही कि मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था तो बहुत नहीं हो रही थी, पर अभी मैंने एक ही किक में अपनी बाइक को स्टार्ट कर दिया, मतलब वाली बाइक जो दूसरी बाइक थी वो नहीं, जो उनके पास दूसरी बाइक थी, दो बाइक थी, एक बुलेट थी जी और एक कौन सी बाइक थी वो तो नहीं पता, तो इस चीज़ को एकदम जब सुबह जब झटका लगा ना दोस्तों, ऐसा लगा कि 440 का बोल्ट का झटका लगता है, ऐसा लगता है कि नीचे से जमीन चली गई, क्योंकि जिस बंदे ने मुझसे रात बात करी, 7-10 से 11 के बीच का टाइम था, जो भी था, हम लोग वहीं खड़े रहते हैं या टैक्सी वैक्सी चलाते हैं, तो बेचारे आते जाते मुलाकात सबसे होती रहती है, और हमारे नैनीताल के काफ़ी अच्छे मतलब फेमस ब्लॉगर थे, सबसे नंबर वन नैनीताल में वही चल रहे थे, और उसके बाद हमारे जीशान भाई भी जी। और बहुत दुख की बात है, तो दोस्तों आज हम भी अपने ब्लॉग में यही चीज़ डालते हैं, क्या स्पेशल बनाएं, क्या आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि हमारे बीच हमारे नैनीताल के हमारे फैमिली ब्लॉगर के वो बेचारे नहीं रहे, तो आप लोगों तक ये अपडेट पहुँचानी थी, तो अपना उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए, दुआ करिएगा और इनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से हमने, तो भी आज का ब्लॉग तो यही है, कल से फिर आपको डेली रूटीन में वही ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और जो उनके जो ब्लॉग दिन में इंतज़ार कर रहे थे, तो प्लीज़ उनके पहले वाले ब्लॉग देखिए, जिनके पहले के ब्लॉग डालें, कल का ब्लॉग देखिए, आज तो ब्लॉग नहीं आएगा आपसे, तो उनके आप पहले वाले ब्लॉग देख सकते हैं, तो चलिए आपको मिलते हैं आपसे कल, तो चलिए फिर हम जो हमने आपको अपडेट दी है और ये जो ब्लॉग बनाया है इतना ही ब्लॉग था, तो हम आप लोगों से भी अलविदा लेना चाहते हैं, ब्लॉग को एंड करना चाहते हैं, और अपने बड़े भाई अमित भाई को भी एक बार याद करना चाहते हैं कि वो हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, वो भाई क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक का टाइम है जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं जहाँ तक ब्लॉग जा रहा है, तो आप देखिएगा उनका ब्लॉग आप लोग तक नहीं आ पाएगा, बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी हम लोग आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल, और किस तरीके से पहुंचा रहे हैं वो हमें ही पता है, तो दोस्तों आप इंतज़ार ना करें, आखिरी दिन है उनका, तो मैं आखिरी विदाई कर वो आता आखिरी सफर तक मैं छोड़कर आया हूँ दोस्तों, तो आप उनके कल के ब्लॉग देखेंगे, कल तक जीवित थे, रातों रात में ये वो ऐसा हो गया, पता नहीं, तो दोस्तों हम ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, तो इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा कि फैलाइएगा कि आप जो एक बंदा था वो नहीं है हमारे बीच में, नहीं है, तो इसके लिए कल मिलते हैं फिर आप लोग।